वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर जो हिंसा हुई उसका मुख्य आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू फरार था। दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। दीप सिद्धू लाल किला हिंसा के बाद से फरार था। इस बीच उसने 2 बार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे। इसमें उसने किसान नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर उसने राज खोले तो नेताओं को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। बता दें, दीप सिद्धू पंजाबी गायक है जिसके बीजेपी से भी कनेक्शन सामने आए थे। दीप सिद्धू साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से प्रचार के दौरान सनी देओल की टीम में शामिल था। दीप सिद्धू के बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए हैं। लाल किले में हिंसा के बाद सनी देओल ने ट्वीट कर कहा था कि मेरा और मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई रिश्ता नहीं है। अब 26 जनवरी की हिंसा के बाद दीप सिद्धू को मास्टरमाइंड माना जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसके साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।